कैसे आप सब? आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम कमोटा आइलैंड में बालू बस्ती विलेज जा रहे हैं। आज हमारा बीच योगा है, तो आज भी मैं अपने बेटे को छोड़ के जा रही हूँ। तो आप देखते रहिए, फिर मैं सब कुछ दिखाते रहूँगी, कैसे हम जा रहे हैं, कैसे हमने बीच योगा किया। आप देखते रहना। ओके, मैं जा रही हूँ। ये मेरा रास्ता, ये तो हर बार देखते ही है। आज मैं आपको बालू बस्ती का जो बीच है वो क्या है, पिकनिक स्पॉट है। वहाँ पर यहाँ के लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। हम आउटबोर्ड से जाएंगे। सेकंड टाइम मैं आपको आउटबोर्ड दिखाऊंगी। पता नहीं गाइस, लेकिन मौसम हमारा साथ देना, क्योंकि सुबह से बहुत बारिश हो रही है। अगर बाई चांस बारिश हो गई तो हम लोकेशन चेंज कर देंगे, कहीं और जाएंगे। अब देखते हैं हमारा मौसम कितना साथ देता है। अब मैं दिखाऊंगी आपको कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं, वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। जब बारिश है को देखते हुए हम अपना फाइनल करेंगे। मैं रोड पर आ गई हूँ। अब हम सब लोग जट्टी पर आ गए हैं। हम ये जो बीच योगा के लिए हम हमारे सीएससी के जो स्टाफ है मेडिकल के, वो भी हमारे साथ गए हुए थे सब मिलकर, क्योंकि उस दिन संडे थी। तो सबने कहा कि चलिए बीच योगा के साथ में हम पिकनिक भी कर लेंगे, क्योंकि हम इतने दूर जा रहे हैं। यहाँ से जाना, मतलब बालू बस्ती जाना, तो हमें एक मतलब प्लानिंग ही करना पड़ता है। ऐसे हम अपनी मर्ज़ी से कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए आउटबोर्ड ही मंगता है, या तो फिर आपको फेरी बोट से अगर जाना चाहते हैं तो उसमें क्या, आपको चैम्पियन विलेज में उतरकर वहां से, मतलब फेरी में चैम्पियन विलेज में उतरेंगे, फिर उसके बाद वहां से बस पकड़कर आपको, या तो फिर पैदल आपको जाना पड़ता है। और मैं आपको चैम्पियन का जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाई, उसमें बालू बस्ती भी मैंने दिखाया है। और वहाँ का जो एरिया है आप देखें, बहुत हाइटेड एरिया है। वहाँ पर आप पैदल नहीं चल सकते। पैदल चल सकते लेकिन हमारे जैसे, मेरे जैसे लोग तो खासकर नहीं चल सकते, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। वो पर्सनली गाड़ी लोग रखते हैं, जैसे बाइक हो गया, वैसे बस है, वो भी बहुत कम ही चलता है। तो वहाँ पर जाना बोलने से सोचना ही पड़ता है। इसीलिए अब हम प्लानिंग की बीच योगा का, तो हमने सोचा कि चलिए बीच योगा के साथ साथ हम पिकनिक भी कर लेते हैं। और ये बालू बस्ती जो बीच है वो विलेज से, जो बालू बस्ती का विलेज है उससे थोड़ी सी दूर है। वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बीच जाएंगे। और वैसे भी गाइस, मैंने आपको चैम्पियन का जो वीडियो है उसमें आपको दिखाया है कि बालू बस्ती कहाँ है, वहाँ का जो सब सेंटर, वेलनेस सेंटर है, वहाँ मैं आपको दिखाई हूँ। वहाँ से पैदल चलकर बालू बस्ती, जहाँ जो विलेज है, मैंने आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि आपको बीच दिखाऊँ। वहाँ की बीच भी बहुत सुंदर था, अब लेकिन बहुत बेकार हो गया गाइस, सच बोलूँ तो। क्योंकि मैं अब तीसरे टाइम में गई वहाँ पर, जब मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। इतना बुरा हाल हो गया वो बीच का, क्योंकि एक टाइम में जब हम पिकनिक आते थे वहाँ पर, वहाँ जाते थे तो बहुत ही सुंदर लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इस बार जब हम बीच योगा करने के लिए गए तो देख कर बहुत बुरा लगा। मतलब कोई उसका मतलब मेंटेनेंस नहीं है, ऐसे ही जो हट है वो भी सड़ा हुआ है। अब अभी मैं दिखाऊँगी वीडियो में आगे अब देखिए कैसा हालत है। अब देखिए हम चढ़ गए हैं आउटबोर्ड में। ये देखिए सब, हमने दो आउटबोर्ड अरेंज किया था। वो देखिए एक जा रहा है जिसमें हमारे सीएमओ सर और उनके फैमिली वगैरह सब बैठे हुए हैं, और यहाँ इस पे हमारे सीएससी के स्टाफ बैठे हुए हैं। हमने इसलिए दो किया था क्योंकि हम सारे सीएससी को हमने बोले थे कि सब जाएंगे करके, लेकिन बहुत लोग नहीं गए। संडे का दिन था, उनका शायद अपना भी कुछ था होगा शायद, इसलिए नहीं गए। तो हम बहुत कम ही लोग गए, तो एक में ही हम सब आ गए। रिटर्न में तो हम एक में ही, एक ही जो आउटबोर्ड से हम आए। ये देखिए गाइस, मैं हाथ दिखा रही हूँ क्योंकि सर जो है उनका बोट वो चैम्पियन विलेज की तरफ जा रहे, उनको शायद मैंने बताया था लेकिन वो भूल गए लगता। तो फिर हमने उनको हाथ दिखाकर यहाँ बुलाए, इस साइड आइए करके, तो वो अभी इस साइड आ रहे हैं हमारे साथ ही। अब हम निकल गए हैं। ये देखिए यहाँ से जो जट्टी, कमोटा जट्टी से ये बालू बस्ती का जो बीच है वो 15 मिनट का रास्ता है आउटबोर्ड से, लेकिन बारिश के समय में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो मौसम ठीक था इसलिए हम चले गए। ये देखिए हम पहुँच गए हैं बालू बस्ती। ये ऐसा उतरना पड़ता है देखिए गाइस, क्योंकि यहाँ पर कोई जट्टी वगैरह नहीं है, ये बीच है अलग से, तो हमें आधे पानी में उतरना पड़ता है। वो देखिए ये ऐसा, मतलब ये बीच एक टाइम बहुत सुंदर हुआ करता था, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं देखी, मुझे बहुत बुरा लगा कि अजीब सा ही हो गया, क्योंकि हम हमेशा पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं, सब आते हैं यहाँ के, जो भी कमोटा आइलैंड के लोग रहने वाले हैं, यहाँ में जो ड्यूटी करते हैं, यहाँ के जो रहने वाले, सब यहाँ पर पिकनिक के लिए आते हैं। लेकिन शायद अभी कोई नहीं आते, क्योंकि ऐसा देखकर कोई भी नहीं, हमें भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, ना तो हम भी अपना जो भी लोकेशन है वो चेंज कर लेना था, लेकिन अभी हमें पता नहीं था तो हम ऐसे ही आ गए। वैसे कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमने किया यहाँ पर बीच होगा।
फिर उसके बाद अपना जो भी पिकनिक का हमारा कार्यक्रम था सब हमने यहाँ पर कर लिया। अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। ये देखिए अब हम सब उतर गए हैं, एक एक करके हम सब उतरे। बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ से उतरना, जो हम लोगों को ठीक है हम उतर जाते हैं, लेकिन जो उम्र वाले हैं आंटी वगैरह है उनको थोड़ा सा उतरने में प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे होती है, इसीलिए मेरी मम्मी कभी भी यहाँ जो भी मतलब आउटबोर्ड से जाने वाला रास्ता वहाँ पर कभी पिकनिक नहीं जाते। इसलिए मैं सोच रही थी मैं भी अपने बेटे को लेकर आऊँगी, लेकिन मैं अकेले तो नहीं लेकर आ सकती। मम्मी तो पहले ही मना कर दी, नहीं मैं नहीं जाऊँगी करके। ये देखिए ये दो, यहाँ पे दो हर्ट है यहाँ पे, लेकिन बहुत बुरा हाल है हर्ट का, बहुत सड़ चुका है। ऐसे हम गए ऊपर तो कहीं मतलब बैठने का जगह ही नहीं मिल रहा था ऐसे। और इसमें मैं आगे में दिखाऊंगी, देखिए बैठे हम जब गए बैठे बैठते साथ ही टूट भी गए, ऐसा भी हुआ यहाँ पर। तो इस तरह बुरा हाल था यहाँ का जो हर्ट का। देखिए ये यहाँ का मतलब ये पहले बहुत साफ़ रहता था, अभी बहुत जंगल हो गया, हट ऐसी सड़ा पड़ा है। ये देखिए एक का बहुत बुरा हाल है, वो दिख रहा है ना गाइस, वो बहुत बुरा हाल है। अब हमने अपना बीच वगैरह शुरू किया, देखिए गाइस हमने कैसे कैसे करके, क्योंकि बीच इतना बेकार था कि मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी कि मैं कहाँ कराऊँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब हम इतनी दूर आ गए, वो भी आउटबोर्ड से, और रिटर्न और कहीं चढ़ के हम जा नहीं सकते, इसलिए हमने यहीं पर अपना बीच योगा करा। लेकिन अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। ये देखिए सब हमारे जो बालू बस्ती विलेज के और चैम्पियन विलेज तपोंग विलेज के सारे रहने वाले हैं वो सब आए, कैप्टन वगैरह यहाँ के जो कैप्टन हैं, वहाँ के जो विलेजर्स हैं सब आए। और ऐसे हमने अपना फिर उसके बाद हमारा बीच योगा ख़त्म हुआ, फिर हमने अपना पिकनिक शुरू किया। हमने समुंदर में नहाया और नहा कर अब मैं देखिए वहाँ ये जो अंदर है हट जो आप देखे थे ना गाइस, उससे अंदर एक रास्ता अंदर जाता है, वहाँ पर क्या है कुआं वगैरह है। तो वहाँ से हमने नहा कर फिर मैं आ रही हूँ, देखिए हीरोइन बन के आ रही हूँ। ये सब बैठे हैं लंच की तैयारी में, वेट कर रहे कि कब हम सब आएंगे मिलकर लंच करेंगे। अब हमने अपना लंच शुरू कर दिया। ये हमारी डॉक्टर, हमारे डॉक्टर है चाल सर, उनकी बेटी है, वो टिफ़न लेकर आए, हमने अपना पार्सल सब लेकर आए। हम सब मिलकर बैठकर यहाँ पर खाए, कैसे भी मुश्किल से बैठे क्योंकि बिल्कुल जगह, बीच में तो बड़ा सा हॉल था टूटा हुआ था, साइड साइड सब बैठे थे। अभी देखिए अब वीडियो में ही आपको दिखेगा जो हमारी रमज़ान मैडम उनकी बेटियाँ पीछे, अब देख मैं दिखाऊंगी, अब रुक जाइए देखिए कैसे गिर गए वो, क्योंकि इतना मतलब लकड़ी इतना सड़ा हुआ था कि वहाँ पर बैठना ही मुश्किल है। अब खाना वाना निकाल रहे सब मिलकर बैठ कर खाएंगे करके, सब ऐसे ही बैठे। देखिए कितना बुरा हाल है ये हर्ट का, अगर ये कितना अच्छा होता तो बहुत अच्छा लगता और भी। ये देखिए पीछे आप देखिएगा ये सब, देखो कैसे गिरेंगे मैडम पीछे, देखिए वो देखिए ऐसा हाल है ये हट का, आप खुद ही देख सकते हैं इतना बुरा हाल था। फिर भी हमने एडजस्ट किया कैसे भी करके, क्योंकि अब हम आ गए हैं इतने सारे लोगों को लेकर हम यहाँ, और बस का रास्ता होता तो गाइस हम चलो रास्ता चेंज कर सकते, लेकिन ये आउटबोर्ड से हम कोई रास्ता चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे वहाँ से आना ही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और फिर दोबारा कहीं और सोच कर कहीं और जाना बहुत बहुत सोच समझ के हम ये सब जो प्लानिंग करते हैं, जो आउटबोर्ड से जाने वाला जो भी रास्ता वहाँ हम सोच समझ कर ही प्लानिंग करते हैं, उसके बाद वहाँ जाते हैं, फिर दोबारा सोचने का हमारे पास मौका नहीं रहता है। अब हम मिलकर सब बैठकर खा रहे हैं, ये देखिए कितना सुंदर हमारा लंच था, हमने लंच किया। ये देखिए सारे स्टाफ को तो आपने देखा ही होगा, मेरे हर वीडियो में आप इनको ही देखेंगे क्योंकि मैं हमेशा इनके साथ ही कहीं भी जाती हूँ। ये हमारे चाल सर हैं हरप्रीत भैया, इनको शायद आप ज़्यादा देखे नहीं होंगे मेरे वीडियो में। ये हमने लंच करने के बाद में ऐसे ही आउटबोर्ड का वेट कर रहे थे तो हमारी क्यूटी पाई सामने आ जाओ, अपना डांस शुरू कर दी। मैंने कहा कि आप डांस को, मुझे बुला रही थी, मैं बोली मैं नहीं करूँगी आप करें हम देखेंगे। फिर वो अपना डांस दिखाई, बहुत देर तक हम ऐसे ही बैठे, अच्छा मतलब डांस करती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्यूटी है। और अब हम निकल गए, ये देखिए आउटबोर्ड में हम बैठ गए, बैठकर अभी हम वापस जा रहे हैं। ये देखिए अभी एक ही बोट में हम सब आ गए, क्योंकि हमने सोचा था कि ज़्यादा लोग आएंगे इसलिए हमने दो बोट का अरेंज किया था, लेकिन हम एक में ही सब आ गए। तो अब हम रिटर्न में हम एक बोट में ही सब चले गए। वो देखिए वो बालू बस्ती पीछे दिख रहा है जो हट, वो बालू बस्ती, वहाँ से अभी हम वापस कमोटा जट्टी आ रहे हैं। वहाँ से 15 मिनट का ही रास्ता था, ज़्यादा दूर नहीं थी, हम अपने आ गए। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है आउटबोर्ड का सफ़र। ये देखिए गाइस सब हम जट्टी में पहुँच गए हैं, देखिए ये जट्टी है, सब अभी उतरने के लिए जा रहे हैं।
एक एक करके हम उतर रहे हैं। यही एक चैलेंज रहता है गाइस, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मुझे उतरना और चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर भी हम उतर गए थे, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब एक एक करके सब बारी बारी से उतर गए। हम लोगों को कम, लेकिन जो बड़े आंटी लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि वो साड़ी पर रहती है तो उनको थोड़ा सा उतरने में प्रॉब्लम होता है। बाकी हम लोग तो छलांग लगा कर भी पहुँच जाते। ऐसे करके हम अपना जो भी बीच योगा के साथ में पिकनिक दोनों बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए और वापस आए। अच्छा लगा, जितने लोग भी गए सब मिलकर हमने किया जो भी बीच योगा। और अब हम वापस, मैं घर आ रही हूँ, ये देखिए मैं घर पहुँच गई हूँ। मेरा जो रास्ता है ये तो आप हमेशा देखते ही हो और अभी भी देख लीजिए, ये है मेरा रास्ता, मैं जा रही हूँ। देखिए समुंदर में नहाकर देखेगा इसमें काली हो गई। वैसे समुंदर में नहाना मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं जब भी पिकनिक जाती हूँ कोशिश करती हूँ थोड़ा सा नहा लूँ। कभी कभी मौका नहीं मिलता है तो नहीं नहाती हूँ, पर वैसे मैं नहा ही लेती हूँ। और सब लोग नहा रहे थे तो मुझे भी दिल हुआ तो मैं भी नहा ली। ये अब मैं घर पहुँच गई, ऐसे ही हमारा जो बीच होगा और पिकनिक कम्प्लीट हुआ और मैं वापस आ गई। ओके गाइस, बाय।